दोस्तों आज की इस वीडियो में इस बाथरूम से रिलेटेड जानकारी दूंगा। दोस्तों सैनिटरी फिटिंग हो चुका है यहाँ पे। सबसे पहले दोस्तों बाथरूम में एंट्री करते ही दोस्तों वॉश बेसिन लगा हुआ है, आप देख सकते हो दोस्तों। उसके ऊपर दोस्तों बेसिन मिक्सर लगा हुआ है, बेसिन डाइवर्टर आप बोल सकते हो। और यहाँ पे बेसिन नीचे ये जगवार का दोस्तों बॉटल ट्रैप लगा हुआ है। और उसके बाद में बेसिन के एरिया के बाद में आ रहा है दोस्तों कॉमोड एरिया। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 3 फीट का गैप है यहाँ पे इसके अंदर। और ये जो है दोस्तों जगवार का वॉलिंग कॉमोड लगा हुआ है राउंड वाला, तो और ऊपर फ्लैश टैंक लिया गया है यहाँ पे। और इस जगवार का कॉमोड दोस्तों कंसील पिच करी भी है, मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो और साइड वाल में यहाँ पर दोस्तों पहले नीचे बीपकॉक और उसके साथ में ट्विन वन बीपकॉक जो लगा हुआ है उसके साथ में दोस्तों हेल्पो सेट यूज़ करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्ग बॉडी बीपॉक लगा हुआ है और साथ ही साथ उसमें हेल्पो सेट है। और उसके बाद में यहाँ पे कंसील स्टॉपकॉक दिया गया है इसका पिचकारी के लिए, क्योंकि इसमें कंसील पिचकारी ऑलरेडी दोस्तों कॉमोड में फंक्शन है। और दोस्तों ये जो बाथरूम है, बाथरूम काफ़ी छोटा है, लेकिन इसका प्लानिंग के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, बहुत अच्छा आपको जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों वॉश बेसिन, उसके बाद में कॉमोड एरिया और उसके बाद में यहाँ पर डाइवर्टर। दोस्तों वॉश एरिया जो होता है जहाँ पर दोस्तों नहाने का एरिया, जो डाइवर्टर एरिया है वो दोस्तों हमेशा अलग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है बेसिन और कॉमोड जो आ रहा है दोस्तों ड्राई एरिया में आ रहा है, यानी आप बाथरूम से आते हो तो आपका पैर गीला नहीं होगा। तो ज़बरदस्त प्लानिंग है यहाँ पे। और बाथरूम का जो साइज है दोस्तों 8x5 का है, 8 फीट x 5 फीट का ये बाथरूम है। और यहाँ पे मैं आपको सावर चल करके बता रहा हूँ, तो पूरा जगवार का फिटिंग है यहाँ पर। डाइवर्टर और कॉमोड ये सब जगवार का लगा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो ये हाई फ्लो डाइवर्टर है। ऊपर से मैं सावर चालू कर दिया हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों इस बाथरूम में आपका प्लानिंग, आपको मतलब छोटी सी जगह में आपको कैसे करना है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। और इस चैनल में नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस तरह के आपको बहुत अच्छा अच्छा वीडियो, क्रिएटिव वीडियो देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो बात दोस्तों डाइवर्टर में लेफ्ट साइड से गर्म पानी और राइट साइड से ठंडा पानी आता है, क्योंकि इसके पीछे ठीक अपोजिट साइड में वाल में दोस्तों गीजर लगा हुआ है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक वाला गीजर। और यहाँ पे आप देख सकते हो जाली दोनों का कोना में दिया गया है दोस्तों फ्लो ट्रैप, जहाँ से पानी जाएगा। यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमोड के बिल्कुल नीचे एक जाली है, और यहाँ पे दोस्तों वॉश एरिया में कोने में एक जाली है। यानी दोस्तों वॉश एरिया जो मतलब जहाँ पे नहाया जाएगा दोस्तों, वहाँ पर क्या है बिल्कुल पानी गीला रहेगा हमेशा, इसलिए वहाँ पर उसका पोर्सन जो है एरिया अलग भाग किया गया है। और वहाँ पर एक पार्टीशन भी बनाया गया है, बाद में वहाँ पर दोस्तों एक ग्लास भी लग सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो शैम्पू वगैरह रखने के लिए एक ये बनाया गया है टाइल्स के साथ में। और इसके तो यहाँ पे जो बता रहा हूँ ये पार्टीशन आप देख सकते हो, क्योंकि वॉश एरिया हमेशा अलग होना चाहिए ड्राई एरिया से। यहाँ पे जो नहाएंगे तो क्या है पानी इधर नहीं आएगा और पूरा बाथरूम गीला नहीं होगा। तो ये प्लानिंग आपको कैसा लगा दोस्तों, इस वीडियो को आप में कॉमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।